दोस्तों बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने फिल्म कैरेक्टर्स के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कुछ एक्टर्स इन कैरेक्टर को एक्टिंग के थ्रू अप्रोच करते हैं, तो कई बार इन कैरेक्टर्स में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज इन लुक्स की भी जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो फिल्म में पूरी तरह से अलग नजर आते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने फिल्म में ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जिनमें वो अपनी रियल लाइफ से बहुत ही डिफरेंट नजर आते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर वन, दीपिका पादुकोण। फिल्म छपाक में इन्होंने एक एसिड अटैक सर्वाइवर की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका के लिए अपने चेहरे पर दीपिका पादुकोण ने इतना ज्यादा प्रोस्थेटिक मेकअप किया था कि इसकी वजह से फिल्म में उन्हें देखकर पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया था। नंबर टू, शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह ने अपनी फिल्म फैन में गौरव चंद्रा की भूमिका निभाई थी। इसके लिए इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था। एक पल के लिए तो इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने फिल्म पद्मावती में खिलजी की भूमिका निभाई थी। इसके लिए अपनी दाढ़ी और अपने बाल इन्होंने बढ़ा लिए थे। इसकी वजह से फिल्म में उन्हें देखकर पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। नंबर फोर, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ने कोई मिल गया फिल्म में बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की थी। उन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए अपने वेट को बहुत हद तक घटा लिया था। इतना ही नहीं, फिल्म सुपर 30 में भी उन्होंने इसी तरह से अपना लुक बदला था, जिस वजह से उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। साथ ही फिल्म धूम 2 में भी जब उन्होंने मिस्टर ए की भूमिका निभाई थी, तब भी उन्हें पहचानना पूरे तरीके से असंभव था। इन्होंने फिल्म्स में कई लुक्स बदले हैं। नंबर फाइव, राजकुमार राव। वेब सीरीज बॉस में राजकुमार राव ने सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निभाई थी। राजकुमार राव ने इसके लिए काफी वेट बढ़ा लिया था, साथ ही उन्होंने कुछ हद तक अपने सर के बाल भी छिलवा लिए थे। इतना ही नहीं, फिल्म ट्रैप्ड के लिए उन्होंने काफी हद तक अपना वेट घटा लिया था और अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा दिए थे। फिल्म राब्ता में राजकुमार राव ने इतना प्रोस्थेटिक मेकअप करवाया था कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कैमियो अपीयरेंस के लिए ऐसा किया था। नंबर सिक्स, अक्षय कुमार। फिल्म 2.0 में अक्षय कुमार ने इस तरह का लुक अपनाया था कि उन्हें पहचानना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। इतना ही नहीं, फिल्म केसरी में भी लंबी दाढ़ी और पगड़ी के साथ भी अक्षय कुमार को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया था। नंबर सेवन, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म पा में औरों की भूमिका निभाई थी। इसमें उन्होंने 12 साल के लड़के की भूमिका निभाई थी। इसमें उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। नंबर एट, रणदीप हुड्डा। फिल्म सरबजीत में काम करने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने काफी हद तक अपना वजन घटा लिया था और बाद में इतना ज्यादा वेट घटाने की वजह से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नंबर नाइन, प्रियंका चोपड़ा। अनुराग बासु की फिल्म बफी में प्रियंका चोपड़ा का लुक एकदम अलग था और उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल था। नंबर टेन, शाहिद कपूर। फिल्म उड़ता पंजाब में शाहिद कपूर ने बिल्कुल अलग लुक बना लिया था। दाढ़ी और लंबे बाल में वो ऐसे दिख रहे थे कि उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। नंबर 11, आयुष्मान खुराना। फिल्म बाला में आयुष्मान खुराना एकदम अलग लुक में दिखे थे। इसमें उन्होंने एक ऐसे आदमी की भूमिका निभाई थी जिसके बाल उड़ गए थे। फिल्म ड्रीम गर्ल में भी आयुष्मान खुराना कई जगहों पर लड़की की भूमिका में दिखे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताएं। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.